शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उदयभान सिंह ने जब राजा साहब को अपने रास्ते से हटा दिया तो उनकी वसीयत क्या चीज है? वह हकीर दाई राजा साहब की वसीयत की तलवार लेकर कब तक उसका सामना कर सकेगी? बेशक वो कुंवर सतीश कुमार को पाले, बेशक वो उसे 20 बरस का होने दे, मगर ये 20 बरस तो उदयभान सिंह ही के हैं। स्वर्गीय राजा साहब ने अपने खजाने का सांप तो उदयभान सिंह ही को बनाया है, और यह सांप बड़ा जहरीला है। उसने फैसला कर लिया कि कुंवर सतीश कुमार को इस काबिल ही नहीं छोड़ेगा कि वो 20 बरस बाद उससे आंख तक मिलाने की हिम्मत कर सके। किसकी इजाजत से यहाँ स्विमिंग करने आए? पिताजी के साथ रोज स्विमिंग करता था। तुम यहाँ मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओगे। मैं आऊंगा। तुम यहाँ मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओगे। मैं आऊंगा। नहीं आओगे। तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ नहीं आओगे। नहीं आओगे। मैं जाऊंगा। नहीं आओगे। मैं डूब जाऊंगा मामा जी। मैं डूब जाऊंगा मामा जी। मैं डूब जाऊंगा मामा जी। तो डूब। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मामा जी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगे। दो दूनी चार, 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 दो दूनी पांच, दो दूनी पांच होते हैं। दो दूनी चार होते हैं। बोल, दो दूनी पांच। बोल। दो
कुमार बेटे सपनों से नहीं डरते बेटे, सपनों से ज्यादा मुझे मामा जी से डर लगता है दाई माँ। मेरे पास आओ, मामा जी से नहीं डरा करते। मैं तुम्हें काले देव की कहानी सुनाती हूँ। बोलो मैं पागल हूँ। मैं पागल नहीं 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 हूँ। बोलो मैं पागल हूँ। पागल मैं पागल मैं पागल हूँ। 100 मैं पागल हूँ। 101 मैं पागल हूँ। 102 मैं पागल हूँ। 103 मैं पागल हूँ। 104 मैं पागल हूँ। 105 मैं पागल हूँ। 106 मैं पागल हूँ। 107 मैं पागल हूँ। 108 मैं पागल हूँ। 109 मैं पागल हूँ। 110 कल से 120 तक बोलोगे। अब जाओ। एक और पियो। मैं नहीं। पियो। टाइगर। नहीं, मैं पीऊंगा। जयपाल ने तुम्हें सब समझा दिया है ना? तो शुरू हो जाओ। जी। कौन हो तुम? बचाओ! तुम्हारे कपड़े। अरे सुनो। बुरा साला। अरे भाई इस लड़की को देखो। नंगी चली जा रही है। बोल। वो लड़की हमारी बहन है कुंवर जी। देखो आपकी बहन है ना। तुमने उसकी इज्जत लूटी है कुंवर जी। मैंने कोई चीज नहीं लूटी। इज्जत? हाँ। साले आज हम तुम्हारी इज्जत लेने वाले। नहीं। बचाओ मालिक, बचाओ। अरे रे, ये क्या कर रही हो? अरे ये तो जयपाल की बहन बिजली है सरकार। ये सिर्फ जयपाल की बहन नहीं है, इस मिल में काम करने वाले हर मजदूर की बहन है। क्या हुआ बोलो? कुंवर जी हमारी इज्जत लूट ली है मालिक। अरे अरे भाग रहा है, पकड़ पकड़ इसे, पकड़। तेरी ये मजाल के अपने खानदान की इज्जत को यूं उछालता फिरे? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ये मजदूर हमारी जान, हमारी आबरू है, हमारी जिंदगी है, और तूने इन्हें इसकी सजा तुझे मिलनी ही चाहिए। खानदान के नाम पर धब्बा है तू, बदमाश। मैं खानदान की लड़कियों को खराब करता है। भाई मैं इस बच्ची पर हुए अत्याचार की क्षमा चाहता हूं। तुम्हारी बहन की आबरू तो नहीं लौटा सकता, लेकिन ये कुछ पैसे रख लो, इसकी शादी में काम आएंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा नाटक रचाने का मतलब क्या है? इतने बड़े नाटक का मतलब भी बहुत बड़ा है चंद्रभान की मां। सबसे पहला मतलब तो ये कि सतीश की आवारगी का ढिंढोरा पिट गया। दूसरा मतलब ये कि कोई भी शरीफ आदमी अब उसे अपनी बेटी नहीं देगा। और तीसरा मतलब ये
कि वो हरामजादा सतीश कवारा ही मर जाएगा, और इन सब का मतलब ये कि उसकी सारी जायदाद और बिजनेस का मालिक बनूंगा मैं, और उसका वारिस होगा हमारा बेटा चंद्रभान। रोले कुंवर बेटा रोले, उदयभान के पास तुम पर चलाने के लिए न जाने और कितने तीर हैं, और तुम्हारे पास सिवाय इस दाई माँ के और कोई नहीं, और भगवान जानता है मुझे ही कुछ करना होगा। मैं तुझे लेकर मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, मजार मजार जाऊंगी, और हर जगह जाकर यही पूछूंगी कि मेरे कुंवर की ये तकदीर क्यों। अरे मेरे पत्ते भी बांट। आ मामा। बापे, अरे बड़ी जबरदस्त मुर्गी आई है। मुर्गी है तो मुर्गा, मगर सोने चांदी के वरख में लिपटा पैदा हुआ था। अगर कहीं साला फंस जाए ना तो समझ जाओ वाये न्यारे हो जाएंगे। तो मामा फंसा लो ना, सोच कर रहे हो? अरे मैं तो यूं फंसा सकता हूँ, मगर उसके लिए एक नमकीन मुर्गी चाहिए। वो किस लिए मामा? मुर्गे से शादी कराने के लिए। एक बार शादी हो गई ना तो फिर घर के भेदी को लंका ढाने में क्या देर लगती है। ये कैसी रहेगी? क्या बक रहे हो मामा, आरती से सिर्फ मेरी शादी होगी। अरे आरती से असल ब्याह तो तेरा ही होगा, कुंवर जी के साथ तो सिर्फ रिहर्सल है। कुंवर जी के साथ सुहाग रात मनाने से पहले जब लाखों रुपए के खानदानी जेवर उसे पहनाए जाएंगे तो वो सारे जेवर लेके हमारे पास भाग आएगी। अरे फिर मुट्ठी गर्म होते ही असल फेरे तेरे साथ फेर दिए जाएंगे। वाह 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 वाह। अबे हंस। थैंक यू। ए हरामखोर, देख के नहीं चल सकता क्या? मैं तो देख के चल रहा था, आज फिर टकरा गए। इसका मतलब तेरी आंखें हैं और मैं अंधा हूँ? नहीं नहीं, आप अंधे नहीं है, मैं तो जा रहा था। आप जा रहा था बेटे, मैं तेरे को ऐसे नहीं जाने दूंगा। बोल, देखिए मुझसे गलती होगी, आप मुझे माफी। माफी क्या साले, माफी तो मैं तेरे को मार मार। छोड़ दे इनको, शरीफ लोगों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? चला जा यहाँ से। सुनो जी, तुम किसकी बेटी हो जी? मेरे माँ बाप तो नहीं है, सिर्फ एक मामा है। अब क्या बतलाऊं बहन जी, अनाथ लड़की है, मैं ही उसका बाप हूं और मैं ही उसकी माँ हूं। हालांकि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन लेकिन सगी बेटी ज्यादा हमने उसे चाहा है, सगी बेटी ज्यादा उसे प्यार किया है। मैं भी अपने कुंवर के लिए एक जमाने से ऐसी लड़की ढूंढ रही हूँ। तो फिर शुभ काम में देर क्यों? Thank you.
क्या हुआ? अरे मेरे बेटे, मत रोइए मत रोइए, मैं उसे खाना खिलाऊंगा, तंग नहीं करूंगा, मैं मारूंगा भी नहीं। तुम मेरी उम्मीद हो आज। चलो। मामा जी की पहुंचो बहू। नॉनसेंस, ये क्या चक्कर चला रखा है तुमने? कोई शादीवादी नहीं हुई है। शादी तो हुई है उदयभान सिंह जी। मैं नहीं मानता इस शादी को। कुंवर की शादी करवाने का तुम्हें हक किसने दिया है? स्वर्गीय सरकार की वसीयत ने। सतीश बेटे, बहू को ऊपर ले जाओ। जाओ बेटे। इतना क्यों कलप रहे हैं आप? सो जाइए ना। इस जीजाजी के पिल्ले को पागल बनाने के साथ साथ नामर्द भी बना देना चाहिए था। अगर किसी तरह यह शादी ना टूटी तो दुल्हन जरूर टूटेगी। तो मैं तैयार हो जाऊं? अरे तुम तो तैयार ही हो। अरे बुद्धू, उसके लिए चलो। मुझे कहाँ ले जा रही हो दाई माँ? बहू जी के कमरे में। क्यों? अरे सुहागरात मनाने। सुहागरात? ये सुहागरात क्या होती दाई माँ? वो बहू जी तुम्हें समझा देगी। और सुनो, अगर वो ना कहे उसका मतलब हाँ होता है, समझे? अगर वो ना कहे तो समझना हाँ है। हम आ गए। सुहागरात मनाने के लिए। दाइमा ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि मैं तुम्हें उठाकर ना पलंग पर ले जा। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रही हो? सुहागरात मनाने का यही तरीका है कि पति ना पत्नी को उठा लेता है। छोड़ो। अरे तुम तो बहुत हल्की हो। मेरी दाइमा रोज एक कहानी सुनाती है, तब मैं सोता हूँ। पंच फुल्ला रानी की, उसका बाप उसे फूलों में तोलता था, लेकिन कभी वो पांच फूल से ज्यादा हुए ही नहीं। लेकिन राजकुमार ने ना उसे चुम लिया। पता है मेरी दाइमा ने मुझे कहा था कि लाज शर्म की वजह से ना दुल्हन कभी हाँ ही नहीं बोलती, बस ना ना करती रहती है। और जितनी बार ना कहे ना तो उसे हाँ ही समझना। तो मैं क्या कर रहा था कि राजकुमार ने ना उसे चू चू चूम लिया। क्या कर रहे हो तुम? दूसरे दिन ना जब राजा ने उसकी बेटी को तोला तो आधा मन फूल चढ़ गए थे। क्या मतलब? कल तुम भी भारी हो जाओगी। हाँ क्या करते हो तुम? यार दाइमा ने कहा था जानवर मत बनना। मैं तुम्हारे कपड़े उतारू? वो जितनी बार ना कहे उसे हाँ ही समझना, समझे? हाँ समझ गया। दाइमा ने कहा था बहू जितनी जोर से ना कहे ना उसे उतनी बड़ी हाँ समझना। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। सुना, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं क्या इतना बड़ा लल्लू गोपाल हूँ कि मुझे इतना भी मालूम नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो? तुमने मेरे गले में माला क्यों डाला? बोलो। सुनो पलंग क्यों? सुनो 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 मेरी बात। तुम्हें सच सच बताऊं? मैं यहाँ चोरी करने आई थी। हाँ तो करो ना, शौक से करो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ स्वागत मनानी ही पड़ेगी, क्योंकि दाइमा ने कहा था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
मैंने तो दूध भी पी लिया, जल्दी करो ना। अरे बाबा अभी आई। अरे जल्दी आई, दो चार पल यहाँ चली जाती हूँ तो चिल्लाने लगते हो। क्या करूँ, जी नहीं लगता ना। आउच! क्या हुआ? चुपता है। आ जा। और अगर मैं मामा जी के साथ चली जाऊं तो? तो मैं मर जाऊंगा। सो जाओ। अच्छी तरह देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया। ठाकुर साहब, ये आपकी लौंडी या बांधी नहीं है, इस घर की बहू है। बहू? ये चोटी कभी इस खानदान की बहू नहीं बन सकती। यहां बहू बनने आई थी या चोरी करने? पूछो इससे, पूछो। बहू, क्या ये सच है? दुर्गा सिंह, इस चुड़ैल को हवेली के बाहर भेज दो। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, कुंवर जी, लेकिन अब आपकी पत्नी हो, चोरी नहीं कर सकती। चोरी कैसे? मैं तो खुद दे रहा हूं। लो। नहीं, सब ले लो। नहीं लो। ले लो बेटा, तुम शर्मा रही हो क्या? कोई बात नहीं, तुम्हारा फर्ज भी है शर्माना। तुम पत्नी हो, मैं लिए लेता हूँ। नहीं, ये छोड़ो। क्यों? छोड़ बाप है क्या? छोड़ छोड़ हम सर, छोड़ नहीं छोड़ेंगे। ये भी जेवर है। आप ये देख रहे हैं? आपकी आंखें अटपुट नहीं है क्या? आपकी आंखों के सामने आपकी पत्नी को एक गुंडा मार रहा है और आप ये देख रहे हैं? कुमार जी, भगवान के सामने आपने वचन दिया था आप अपनी पत्नी की रक्षा करेंगे। बचाइए मुझे, बचाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं। ये क्या करेगा? बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। आइए, आइए इसे, आइए कुमार जी। तुम्हारा मेरी ताकत में विश्वास है, आप में ताकत है, आप इसे मारेंगे। मारिए इसे, दादी, मारिए, मारिए। अरे ये क्या क्या कर? मारिए, अरे 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 अ
देख लूंगा। कोई नहीं रोक सकता, देख लूंगा मैं तुझे, देख लूंगा। आज के बाद कोई तुम पर हाथ नहीं उठाया, चलो घर चलो। आज तुम्हारे हाथ पहली बार उठे हैं, कल मुझ पर भी उठ सकते हैं। इसको भी खत्म कर दो। नहीं, इसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि सतीश कुमार ने इसी की वजह से आत्महत्या की है। आत्महत्या? दुनिया की नजरों में यह आत्महत्या ही होगी। सतीश कुमार की लाश को उठाकर बहते पानी में फेंक दो। ठाकुर दरबार सिंह ने मेरे पति का कत्ल किया है। हाँ, मेरे पति का। यही मेरे पति का कत्ल है, यही मेरे पति का। आरती जी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आरती जी, आपके पति का कत्ल किसी ने नहीं किया। इस लेटर के मुताबिक आपकी बस चलने की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह झूठ है। उदय भान सिंह, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं मां बनने वाली हूं। हां, मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी। 20 साल तक उसकी रगों में तेरे लिए जहर भरूंगी, ताकि वो अपने बाप की मौत और अपनी मां की जिल्लत का गिन गिन के हिसाब ले। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज जो मांगने जा रही हूं, वो अगर मिल गया तो फिर से तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। प्रभु, मुझे बेटा दे दो, तलवार जैसा तेज बेटा, जो अपने बाप की हत्या और अपनी मां के अपमानों का बदला लेगा। प्रभु, मुझे
बेटा चाहिए, मुझे बेटा दो, मुझे बेटा दो, बेटा। बेटे को मारना चाहती हो? इसे कुछ नहीं होगा जुबेदा, इसे तूफानों की आदत पड़ने दो, इसे बड़ा होकर तूफानों से लड़ना है। हाँ अरे बेटे, तुझे बड़ा होकर अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना होगा, अपने माँ बाप पर हुए जुल्मों का हिसाब लेना होगा। मेरे बच्चे, तुझे कसम है पैदा करने वाले की, अरे आरती जी पहले खुद तो खा ले फिर बेटे के लिए ले जाना। नहीं माँ जी, देर हो जाएगी, अविनाश राह देखता होगा। आज खाने को क्या लाई हो? बहुत भूख लगी है। आज मूली के पराठे हैं। देखो आज तुम खुद ही खा लेना। हाँ? मुझे जल्दी है, काम पे जाना है, ये लो। अच्छा सुनो, हाँ? आज स्कूल की छुट्टी के बाद काम पे आ जाना, घर साथ चलेंगे। अच्छा। मेरा खाना दे दे, नहीं तो मैं टीचर को बोलूंगा। टीचर का बोलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दे। हट। साली मेरा खाना दे दे, मैं कब से कह रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ। भाभी घर जाते हैं। खाना कैसे लगा? ये क्या हुआ? बलवंत ने मेरा खाना छीन लिया। बलवंत कौन? मेरे क्लास से एक क्लास आगे है, स्कूल में गुंडागर्दी भी करता है, मेरा खाना छीन लिया। मैंने उससे मांगा तो उससे मुझे मारा भी। और तू तो चुपचाप मार खा के चला आया? याद रख, लोगों को अपनी चीजें छीनने देगा तो लोग तुम्हारी जिंदगी तक छीन लेंगे। अगर मुझे माँ कहना चाहता है तो जा उसे मार जिसने तेरा खाना छीना है, जा। वो तगड़ा है माँ। तो उसे मारने की कोशिश में मार खा गया, भाग कर मत आ ताकि मुझे लगे मेरे बेटे में किसी से भी लड़ने की हिम्मत है। साले तूने मेरा खाना छीना था ना? या! या! मेरा खाना छीनेगा? अगर इस बस्ती की धूल को भी हाथ जोड़कर सलाम करने आया ना तो मैं मार मार कर तेरे चेहरे का भुरता बना दूंगा। अपने सर को जाकर कहना यह बस्ती उसी की है जो यहां रहते हैं। अगर किसी को भी निकालने की कोशिश की
तो मैं तेरे सेट को इस दुनिया से निकाल दूंगा, समझे? साले रंग के काले, क्या सोच क्या था हमारी बस्ती में? हम चूड़िया पहन के बैठे हैं, मैं अभी से दुरुस्त करता हूँ। अपन को माफ कर देना। माफी? अल्फा अलग बोलता है माफी। माफी? अबे माफी, माफी, माफी नहीं माफी, माफी। फी नहीं फी। माफी। ये ले माँ, अब तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल। खुदा तुम्हारा भला करे। हाथ मुंह धुले खाना परोसती हो। आज सुबह भी ऐसे ही कॉलेज चला गया। वो तो ठीक है, मैं अभी अभी सेठ के तीन गुंडों की पिटाई करके कचुम्बर बना के आ रहा हूँ, और तूने शबाशी तक नहीं दी। अरे गुंडे इसीलिए होते हैं कि पिटे, और बेटे इसलिए होते हैं कि उन्हें पिटे। तुझे तो इससे भी बड़ी लड़ाइयां लड़नी है, पर एक बात की राह में बांध ले, जिस दिन भी तू कोई लड़ाई हारेगा मैं तेरा मुंह तक नहीं देखूंगी। अरे भूख नहीं लगी है क्या? चल उठ हाथ धो ले, उठ। जी हाँ सारे तैयार हैं, ये लीजिए आपके कपड़े। बहन जी अगर सिलाई के पैसे आज ही मिल जाते तो मेरे कुछ काम निकल आते। तू तो ऐसे सिलाई के पैसे मांग रही है जैसे मैं भागी जा रही हूँ। ये बात नहीं है बहन जी, हम गरीब लोग हैं, पानी पीने के लिए रोज कुआं खोदना पड़ता है। ठीक है ठीक है, ये ले सिलाई के पैसे, और कल से काम मांगने मत आना। शुक्रिया। चल बेटा घर। सुनो देख बाबा, एक होटल में ड्रामा 2 दिन के लिए छुट्टी पे गया है, उधर तुमको 2 दिन का 200 रुपया मिलेगा, चलेगा? चलेगा सर। अरे तुम्हारे को बहुत चलेगा, हमको कैसे चलेगा? हमको कैसे मालूम पड़ेगा तुमको ड्रम बजाने को आता है? तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट कोई डिग्री है? डिग्री? हर इम्तिहान के पर्चे आउट हो जाते, खिला पिला का नंबर बढ़वा लेते, तो ऐसे में सर्टिफिकेट या डिग्री की हैसियत ही क्या है? नहीं इसलिए बुजुर्ग कह गए हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं स्टूडियो T4 की शाम मौसीकी में आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। इस शाम का आगाज भी वही है और अंजाम भी वही है। मिस मीना। Dance, let's जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है कि तुमको आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा। ये रात में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल को आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा।
दिन खाब जाग जाग है निगाह खोई खोई डांसेंस आज खुश नसीब वो ही जिसकी राह में है कोई डांसेंस दिन खाब जाग जाग है निगाह खोई खोई डांसेंस आज खुश नसीब वो ही जिसकी राह में है कोई डांसेंस हम जवां है तुम जवां हो दिल जवां है धड़कने जवां में जो मजा है मजा ये कुछ नया नया है ये दिल जो आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम 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 बाबा झूम 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 बाबा झूम 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 भाई तुमने तो आज कमाल ही कर दिया अगर शनिचर इतवार की बजाय तुम रोज परफॉर्म करो तो तुम्हारी वेजेस दुगनी हो जाए नहीं रोज तो ये पॉसिबल नहीं क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और इसी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए मैं ये काम करती हूँ सोच लो डेढ़ साल तक तो हफ्ते में दो ही दिन काम कर सकती हूँ उसके बाद देखूंगी थैंक यू सर वेलकम अरे कोई इनसे इतना तो कह दे कि मैं इन्हीं का हो चुका हूँ क्यों आवाज ये इधर आ जा तेरे को तो छोड़ देना चल चल अपना रास्ता ना मैं दूसरों को रास्ता ना पाता हूँ समझे अरे गुरु अपनी दाल नहीं गलने वाली यहाँ पर चलो चलो नहीं मांगता चलो ये
अभी रोक लेते हैं। थैंक्स। चलिए आपको घर छोड़ देता हूं। आइए। चालान तो नहीं हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस वाले हवा निकाल देंगे। काफी देर हो गई, घर वाले बहुत परेशान होंगे। घर में कोई है ही नहीं। मतलब आप अकेली रहती हैं? जिसका कोई ना हो उसको अकेले ही रहना पड़ेगा ना। I'm sorry. आपके घर में कौन कौन है? माँ है। फिर तो आपके पास सब कुछ। गुड नाइट। बाय बाय। ये अपनी माँ के लिए मेरे प्यार का तोहफा है। आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है माँ, आज से सिलाई वलाई बंद। ये क्या कर रहा है? वही जो एक काम करने वाले बेटे को करना चाहिए। चलो अब तुम एक एक करके अपने सारे सपने बताना शुरू कर दो, मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने की योजना शुरू कर दी है। चलो सपना नंबर एक बताओ। बताऊंगी, लेकिन अभी तक अपने सपने बताने का वक्त नहीं आया। चल खा ले, चल उठ। अरे रो क्यों रही हो बिमली? बल्लू दादा नल पर दारू पीकर बैठा है, जो भी लड़की पानी भरने जाती है उसे छेड़ता है। आज किसी के घर में पानी नहीं है, थोड़ा पीने के लिए पानी लेने आई हूँ। समझ गया, तू यही चाहती ना कि मैं बल्लू दादा की दारू उतारूं। तुम्हें चला? नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक गुंडा है। इसीलिए तो मेरा बेटा जाएगा, जरूर जाएगा। जा। आ तेरा पानी मैं भर देता हूं जाने मन। आ हराम ज़ादे तेरा पानी तो मैं भरूंगा। Thank you.
सब अपने अपने पानी मारो और जाते वक्त इसके मुंह पे एक जूता मारते जाना। आपकी जैसी माँ भी कोई होगी, जब भी कोई खतरे का काम होता है अपने बेटे को ही आगे कर देती है। तुझे याद है पिछली बार भी जब सेठ के गुंडे चाची का घर खाली करवाने आए थे, इतने खतरनाक गुंडों के सामने अपने बेटे को भेज दिया था। उधर क्या देख रही थी? जीने की राह। तो आओ उस राह पर चलते हैं। तेरी आंखों के बिना जीना भी क्या है, जीना तेरे होठों के बिना। जीना भी क्या है, जीना तेरी बाहों के बिना। जीना भी क्या है, जीना तेरी चाहों के बिना। तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू। जीना भी क्या है, जीना तेरी आंखों के बिना। जीना भी क्या है, जीना तेरी बाहों के बिना।
जीना तेरी आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना। सुनो। हाँ? कल माँ से मिलने चलेंगे। बाय 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 माँ। हाँ? माँ ये नीना है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अविनाश, मैंने तुम्हें प्यार करने के लिए नहीं नफरत करने के लिए पाला है। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे माफ कर दे बेटी, लेकिन अविनाश अभी तक अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में नहीं आया। जिस दिन आएगा उस दिन तुम मेरी बात का मतलब समझ जाओगी। और बेटी, युद्ध में जान जा भी सकती है। पता है माँ जी, लेकिन अविनाश के हर युद्ध में मैं उसका साथ निभाऊंगी। चलो नीना, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। तुम लोग मरे नहीं, जिंदा है। चले जाओ यहां से, मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं। लेकिन हमारा तो है, उन 50,000 रुपयों के गहनों से जो तुम लेके भागने वाले थी, और आज तो वो 10,00,000 के हो गए होंगे। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतने पैसे अंटी में होने के बावजूद तुम झोपड़े में क्यों रहती हो। मेरे पास कुछ नहीं है, तुम लोग इसी वक्त यहां से चले जाओ। अगर मेरा बेटा आया ना, मामू ये ऐसे नहीं बोलेगा। इससे पहले कि तुम्हारा बेटा आए और तुम्हारी काली करतूतों का रास फाश हो, तुम हमें हमारा माल दे दो। मैंने कहा ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सब कुछ वहीं छोड़ आई थी। शादी हमारा मां खा के मर गई कहीं कहीं की। अभी तक जवानी तेरे अंदर कायम है,
हाँ कदम भी आगे बढ़ाया तो चाकू इसके गले के पार होगा। माँ क्या ये सब कौन है ये लोग? अरे बेटा हम लोग तुम्हारे माँ के मामा है बेटा। मामा है तुम्हारी माँ के। मामा जी आ? अरे मामा जी आपके तो चरण छुए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा चरण छुआ आशीर्वाद लो जीते रहे बाप की तरह बाप की तरह। ये सब क्या है? जल्दी खोल दरवाजा खोल दरवाजा खोल। अरे डंडा दे डंडा दे भाग। रामजादे मेरी माँ की गर्दन पर चाकू रखता है। ठहर जा विनाश। तुम्हारे हाथ इस जैसे नीच के खून से रंगे जाने के लिए नहीं है। जाने दे इसे। आए। आज के बाद अगर हमारे रास्ते के दाएं बाएं भी नजर आया तो गर्दन काट के हाथ में रख दूंगा समझे। खून साफ करने से पहले तुझे कुछ बताना होगा। वहां क्या है सब? वो कौन सी बात है जो तूने आज तक मुझसे छुपा कर रखी है? मैं लड़कर घायल होकर आता हूं लेकिन तू दूसरी माओ की तरह घबराती नहीं डरती नहीं। लगता है तेरे दिल की गहराई में बहुत नीचे तय में तू खुश है जैसे तेरा कोई सपना साकार हो रहा है। और आज तुझे तेरे ही खून की कसम देकर पूछ रहा हूं वहां बोल ऐसी कौन सी बात है जो तूने आज तक मुझसे छुपा कर रखी है? बोल माँ बोल। अविनाश तेरा और मेरा हर राज मेरे पास अमानत है। मैंने तुझसे ये बातें छिपाई नहीं बचा के रखी है। मैं तुझे पिघला रही थी और सोचा था जिस दिन तू बिल्कुल पिघल जाएगा उस दिन तुझे इस राज के सांचे में ढाल दूंगी। हाँ अविनाश ये बस्ती ये गरीबी तू यहाँ की चीज ही नहीं है। तू कहीं और का है। हाँ बेटे हाँ तुम्हारे पिता की कहानी में मैं देर से आई लेकिन जब आई तो पता चला तुम्हारे पिता का बचपन कैसे गुजरा कैसे कैसे अत्याचार हुए उनके साथ। तुम यहाँ मेरी इजाजत के बगैर नहीं आओगे। मैं आऊंगा। तुम मेरी इजाजत के बगैर यहाँ नहीं आओगे। मैं अकेले तेरे पिता का बदला नहीं ले सकती थी बेटे। इसी काम के लिए तो मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हर लड़ाई लड़वाती रही तुमसे ताकि इस दुनिया की कोई भी लड़ाई तुम ना हार सको। आज मुझे चीजें खराब तो मालूम हो गया।
जिस बंदे के लिए तूने मुझे पाल पोस कर जवान किया है, उस काम के सिवा आज के बाद मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहेगा मां। हाँ मां, मैं अपने पिता का बदला लूंगा। तेरे इन आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब उदयभान सिंह से लूंगा। कसम है पैदा करने वाले की, उसकी एक एक तड़प, उसकी एक एक दुख का गिन गिन कर बदला लूंगा मां। My darling son Chandravan, I love you. बेटा कल तुम्हारा बर्थडे है ना? बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। खाना, पीना, गाना, बजाना, डांस। वाह! छन छन न न छन छन न न छन छन न न छन। मे आई कम इन सर? ये जरूर कोई मनहूस खबर लेके आया होगा। मेरी सूरत ऐसी है सरकार, वरना बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। बोलो क्या खबर है? मजदूरों ने हड़ताल वापस ले लिया और उस लीडर की दुम फाख्ता को एक नया घर दे दिया है। रियली? और हाँ, ये आपका एक खत। हमारा खत? तुम जाओ, देखो बेटा किसका खत है। आरती। उदय भान सिंह, मैं जिस दिन के इंतजार में जी रही थी वो दिन आज आ गया। मेरा बेटा जवान हो गया है और अपने पिता के खून का हिसाब साफ करने तुम्हारे पास आ रहा है कल शाम की गाड़ी से। उसे पहचानने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वो बिल्कुल अपने बाप जैसा है। लेकिन उदय भान सिंह, उसकी ताकत का अंदाजा लगाने में गलती नहीं करना। तुम्हारी दुश्मन आरती। चूहे का बेटा चूहा ही होगा। खबरदार रहना, हमारे इलाके में कोई नया आदमी फटकने ना पाए। जाओ। चूहे का बेटा चूहा। Yes. Yes. Happy birthday to Chandravan. सब लोगों में बांटिए और सब मजा कीजिए। Enjoy. वो तो नहीं आया। मुझे मालूम था वो नहीं आएगा। क्या ये? सर, किसी ने आपके लिए खास तोहफा भेजा है और कहा है कि आप इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। भाई वाह, ऐसा भी क्या तोहफा है? देखे तो ये मजाक भी खूब रहा, लेकिन ये भेजने वाले साहब हैं कौन? मैं आ गया हूं। तूने किए
सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम पैदा करने वाले की सताया है सताएंगे जलाया है जलाएंगे रुलाया है रुलाएंगे कसम छल किया है संग दिल है तुझे जुल्म का ये नशा है आज देखेंगे हम तुझ में कितना है दम आज देखेंगे हम तुझ में कितना है दम आजा आजा ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म क्या क्या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम जुल्म क्या क्या सितम तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम पैदा करने वाले की कसमों में सबसे बड़ी कसम है कसम पैदा करने वाले की मैंने ये कसम ली है और जान देकर भी निभाऊंगा Yeah.
अब तेरे जुर्म का फैसला हम करेंगे, मर के भी भूलना ऐसा गम तुझको देंगे, न देंगे ना हम अब किसी पे सितम, आजा, ओ बेरहम तूने किए क्या क्या जुल्म, क्या क्या सितम, तुझको भी ना छोड़ेंगे हम कसम। पैदा करने वाले की सताया है सताएंगे, जलाया है जलाएंगे, रुलाया है रुलाएंगे कसम। पैदा करने वाले की कसम, पैदा करने वाले की कसम, पैदा करने वाले गाते बहुत अच्छा हो, इसका इनाम भी तुम्हें मिलना चाहिए। नहीं उदा भान सिंह, तुम्हारे हाथों में अब दम नहीं रहा। थप्पड़ इसे कहते हैं। तो आपका यह कहना है कि आप श्री सतीश कुमार के बेटे हैं? जी हाँ। क्या सबूत है आपके पास? हर बात का सबूत नहीं होता वकील साहब, इस बात का क्या सबूत है? आप जिस श्रीमान के बेटे कहला जाते हैं आप उन्हीं के बेटे हैं। How dare you say that? Your honor, this is highly objectionable. वकील साहब के सबूत का तो मुझे पता नहीं जज साहब, लेकिन मैं इस बात का सबूत हूँ कि अविनाश ही सतीश कुमार का बेटा है और मैं अविनाश की माँ हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। मैं आपके बेटे का वकील हूँ। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? आपका नाम? आरती। आप सतीश कुमार की विधवा हैं? जी हाँ, और एक विधवा की जगह उनकी पत्नी कही जाती है। अगर उदय भान सिंह ने उनका बेदर्दी से कत्ल न किया होता। इट्स टू मच योर ऑनर, ये औरत सरासर बकवास कर रही है। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आकर कहिए। योर ऑनर, मैं ये मानता हूं कि इसके साथ कुंवर साहब की शादी हुई थी, मगर यह शादी इस औरत ने महज खानदानी जेवरात चुराने के लिए की थी। पूछिए इससे यह गलत है? क्या यह गलत है? यह सच है। यह भी सच है कि चोरों के गिरोह के साथ इसका ताल्लुक था? जी हाँ था। तो क्या यह भी मुमकिन है कि कुंवर साहब के साथ फेरे लेते वक्त तुम्हारे पेट में यह बच्चा रहा हो? हराम का? अविनाश, मैं हराम का नहीं हूं, हराम खोर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऑर्डर ऑर्डर अरुण को तो मैंने देख लिया, अब मैं तुझे अपना रंग दिखाऊंगा। जो जुल्म तूने मेरे माँ बाप पे किया है उसके मैं गिन गिन के बता दूंगा। जिस महल की दीवारों को तूने पापों से खोखला किया है उस दीवारों में मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। और यह बात भूलना नहीं दीवान, यह बात तू भूलना नहीं, यह बात तू भूलना नहीं। खुश होने में बहुत जल्दी कर रहे हो दोभान सिंह, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अविनाश कुमार पुत्र स्वर्गीय सतीश कुमार ने अदालत में हंगामा करके अदालत की तौहीन की है, इसलिए अदालत अविनाश कुमार को 7 दिन की सजा देती है और कोई खास सबूत ना होने की वजह से केस दरखास्त किया जाता है। बाके खो। ऐश करो।
इसी का नाम जिंदगी है मेरे बच्चे। आफिजा भी कुछ नशे में है, शराब है कबाब है, जो ये नहीं तो जिंदगी अजाब ही अजाब। नहीं दादी, गलत बोल गए। ये बात तो तुम बोलो बेटा। कुछ यूं है, इरशाद इरशाद भी कुछ नशे में है, शबाब है शराब है, अरे जो ये नहीं तो जिंदगी तो जिंदगी अजाब ही अजाब है। वाह बेटा वाह वाह वाह। नशे में है शराब है, जो ये नहीं तो जिंदगी अजाब। बेटा है, कुछ भी कर सकता है, जरा कबाब लगा। मैं अपने कुरुक्षेत्र में आगे होने ना, मुझे अपने पिता की हत्या और अपनी मां के अपमानों का बदला लेना है। जान लेने किस खेल में जान जा भी सकती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इस लहूलुहान रास्ते पर मत आओ। लहूलुहान रास्ते पर चलना तो प्यार की तकदीर है विनाश। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई रास्ता नहीं, और ना ही मैं कोई और रास्ता तलाश करना चाहूंगी। जिस तरह तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर है, उसी तरह आज से तुम्हारी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है। क्या करोगी तुम? अपनी खूबसूरती की तलवार का वार करके हर उस राज का पता लगाऊंगी जिससे तुम्हें लड़ाई जीतने में मदद मिले। नहीं नहीं ना, वो बड़े खतरनाक लोग हैं। खतरों से खेलना नहीं, प्यार की तकदीर है विनाश। मुमसा वक्त खत्म हो गया। अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। Thank you.
Waiter. What can I do for you, lady? Nothing. I'm Chandrabhan Singh. Huh? Chandrabhan Singh of Vijayanagar. और मैं इस होटल का मालिक भी हूँ। इतनी जरा सी उम्र में आप क्या क्या कुछ हो गए? कौन भान सिंह? चंद्रभान। Of course. How could I forget it? ठाकुर विजय सिंह के बेटे उदय भान सिंह। उनके बारे में तो बहुत कुछ सुना है, सुने जिसको चाहे। अजी आपने आधे तो क्या एक चौथाई भी नहीं सुने होंगे। कभी उनके किस्से हमसे सुनकर देखिए। कभी क्यों? अभी क्यों नहीं? ओ, आइए। आइए। ये क्या? ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ आप और हम। आइए। आई सी। आई कैन बेट कि आप आसपास की नहीं हैं। क्योंकि जो अगर आप आसपास की होती तो ये पॉसिबल नहीं था कि आज हमारी पहली मुलाकात होती। दरअसल मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और मैं एक राइटर हूँ। ओह, आप राइटर हैं? भाई वाह, इतनी कम उम्र में आप राइटर भी हो गई। अगर आप इतनी सी उम्र में चंद्रभान सिंह ऑफ समवेयर विजय पैलेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और न जाने क्या अला बला हो सकते हैं तो मैं राइटर क्यों नहीं हो सकती। लेकिन आप इस खूबसूरती की जेब से लिखने का वक्त कैसे निकालती हैं? जेब काटती हूँ। मैं जासूसी के नावल लिखती हूँ। ओह बिचू बिचू ओह ओह सेवन जी नहीं, मैं ऐसे नावल लिखती हूँ जिसमें लोगों को सोचना पड़े। ओह, मेरी हीरोइन का नाम डिटेक्टिव शोभा सिंह है और उसके पास एक सुसाइड का केस आया है, पर दरअसल वो मर्डर का केस है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, पर अब तक ये समझ नहीं आया कि सुसाइड को मर्डर बनाऊं कैसे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे डैडी तो जासूसी उपन्यासकार भी नहीं, फिर भी उन्होंने तो देखिए, आप राज की बातें जानना चाहती हैं और जरा बीच की दीवारें गिराइए, हमें थोड़ा मदहोश कीजिए। लेट्स कम क्लोजर। Come closer.
अपने बाप के बारे में आ? बोलो। मेरा बाप एक किलर है, मर्डरर। वो किसी का भी खून बड़ी सफाई के साथ करवा सकता है। तुम्हारे बाप ने कुंवर सतीश कुमार के साथ क्या किया था? उन्होंने कुंवर सतीश कुमार से कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए थे और उस पर यह लिख दिया था कि वो अपनी पत्नी के बेवफाई के कारण आत्महत्या कर रहा है। और फिर उन्होंने कुंवर सतीश कुमार का खून कर दिया। I love my father, my father is great. But I love you too. I love you, Nina. I love you, Nina. Nina, I can't live without you. I love you, Nina. कौन है? अरे बेटी तुम। माँ जी, मैं टेप में उसकी आवाज भर लगी हूँ। उन्होंने कुमार सतीश कुमार से कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए थे और उस पर यह लिख दिया था कि वो अपनी पत्नी के बेवफाई के कारण आत्महत्या कर रहा है। और फिर उन्होंने कुंवर सतीश कुमार का खून कर दिया। I love my father, my father is great. तुम मेरी बहू बनने से पहले मेरे हाथ की तलवार बन गई बेटी, जीती रहो। चलो पुलिस के पास चलते हैं। पागलपन की बात मत करो बहू, यहाँ की पुलिस वर्दी पहनती है सरकार की और कहना मानती है उदय भान सिंह का। ये कसर बहुत बड़ा हथियार है, इसे हिफाजत से रखो और अविनाश के जेल से आने तक का इंतजार करो बहू। हाँ। लेकिन भाई उस लड़की का नाम तो बताओ। उसका नाम है नीना। डैड वो मुझसे प्यार करती है और मुझे भी उससे इश्क हो गया है।
इश्क और तुम्हें जी। भाई हमारे खानदान में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? डैड आई एम सीरियस दिस टाइम। सीरियस? जिस लड़की ने मेरे बेटे को सीरियस बना दिया है उसे तो मिलना ही पड़ेगा। मिला? या, मैं उसे किसी दिन लेकर आऊंगा। ओके थैंक यू। माय डैड माय नीना। हेलो। हेलो। नाइस मीटिंग यू। सिट डाउन। तो तुम इसकी नीना हो? फिलहाल तो मैं सिर्फ नीना हूं। खूब कहा। तुम्हारे माता पिता? वो गुजर चुके हैं। ओह आई एम सॉरी। ओह कम ऑन डैड डोंट बी फॉर्मल। माता पिता तो मरने के लिए होते हैं। अब आप क्यों घबरा गए डैड? आप मेरे माता पिता थोड़ा ही हैं। यू आर माय डैड। भाई आपको मुबारक हो। मेरा बेटा तो सचमुच आपका दीवाना है। आप इन्हें जरा समझाइए। आज गलती से रेस्टोरेंट में चाय देते हुए वेटर का हाथ मेरे हाथ से छू गया तो इन्होंने उसे जेलसी में खूब पीट डाला पकड़ के। लुक डार्लिंग लव तो जेलस होता ही है। मैं अपने सिवा तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वाह लाइक फादर लाइक सन। तू यहां क्या कर रहा है? ये कुर्सी मेरे पिता की है, इस पर बैठने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब तुम ये पूछोगे ये यहां क्या कर रही है? यह भी चिल्लाएगी और कहेगी कि तुम इसे रेप करने की कोशिश कर रहे हो और नेचुरली मैं इसकी चीख की आवाज सुनकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बहुत जूते मारूंगा। सॉरी 1 2 3। ये तुम नहीं कर सकते। ये तुम नहीं कर सकती। बचाओ। ये क्या कर रही हो तुम? बचाओ। नीना ये तुम क्या कर रही हो? बचाओ बचाओ बचाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते नीना। बचाओ। नीना ये तुम क्या कर रही हो? बचाओ। नीना ये तुम क्या कर रही हो? बचाओ। नीना बचाओ बचाओ बचाओ। नीना नीना बेटे राम सदे। उदय भान सिंह कुछ ऐसी ही चमकीली चीज थी जिससे तुमने मेरे बाप को बेदर्दी से मारा था। Stop
उदय भान सिंह, चोटें कैसी हैं? ये तो सिर्फ उन चोटों का नमूना है जो तुम्हें लगने वाली है। और हाँ, अगर तुमने मेरे बेटे की रिपोर्ट पुलिस में की, तो याद रखना कि तुम्हारे बेटे को भी बलात्कार के जुर्म में 7 साल की कैद हो जाएगी, समझे? होगा कोई लफंगा? Come dance with me! Hey, मिस्टर, लगता है आप नशे में हैं। घर जाकर नींबू चाट के सो जाइए, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। You bastard! हाँ, उदय भान सिंह, लो अपने बेटे की आवाज सुनो। मेरा बाप एक किलर है। मर्डरर। वो किसी का भी खून बड़ी सफाई के साथ करवा सकता है। उन्होंने कुंवर सतीश कुमार से कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिए थे और उस पर यह लिख दिया था कि वो अपनी पत्नी के बेवफाई के कारण आत्महत्या कर रहा। घबराओ मत उदय भान सिंह, इसे मैं अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसे तुम्हें सुनाने का यह मतलब था
कि तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाए और मेरे बदले का चैप्टर नंबर 2 पूरा हो जाए। डैड, उस हरामजादे अविनाश ने मेरी नीना को मुझसे छीन लिया। डैड, उस हरामजादे अविनाश ने मेरी नीना को मुझसे छीन लिया और मैं नीना के बगैर जी नहीं सकता। मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा डैड, मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं बेटा, नहीं बेटा, तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना। तुम नहीं मरोगे, उस हरामखोर आरती का बेटा मरेगा। हेलो, बहुत दिन के बाद याद किया बॉस, क्या हुआ? सतीश के बेटे अविनाश को जानते हो ना? जानता हूं। उस हरामजादे के पास एक कैसेट है जो मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और उस कैसेट को हासिल करने के लिए उसकी महबूबा को उठाना होगा। काम हो जाएगा पक्का। मैं कैसेट ले आया हूं, नीना को छोड़ दो। आज तुम्हारी कोई होशियारी नहीं चलेगी। भगवान सिंह, मैं कैसेट ले आया हूं, नीना को छोड़ दो। इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो तुम्हारे साथ काफी हिसाब चुकता करना है। नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। बॉब, इसे इतना मारो कि इसकी हड्डियों में हम पर हाथ उठाने की ताकत ना रहे। बेटा, तुम इस लड़की को बहुत चाहते हो ना, आज से ये तुम्हारी है। जो चाहो जी भरकर इसके साथ करो। यस डैड। नहीं, भाग जाओ नीना। जाओ नीना, भाग जाओ। पर डैड, भागने दो, भागने दो। भाग भाग कर जब थक जाएगी तो बड़ी आसानी से तुम्हारी आगोश में आ जाएगी। Ha 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 ha
मेरी मदद कर, मदद कर। मेरी मदद कर। इसे कुछ नहीं होगा जुबेदा, इसे तूफानों की आदत पड़ने दो, इसे बड़ा होकर तूफानों से लड़ना है, इसे बड़ा होकर तूफानों से लड़ना है। Nina, I love you. Nina, don't be afraid. Don't be afraid, Nina. डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा। Nina, Nina, ये तुम्हारा झुमका कहाँ गया? ये तुम्हारा झुमका कहाँ गया, Nina? छोड़ दो, please, छोड़ दो। छोड़ नहीं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, please, मुझे छोड़। कौन है ये? उदय भान और उसके बेटे के जुल्मों की शिकार है बहू। उदय भान के बेटे ने इसके भाई के सामने इससे जबरदस्ती की और फिर उसका कत्ल कर दिया। तब से ये बेचारी पागल है, पता नहीं और कितने मासूमों को इन लोगों ने पागल किया है। बोलो मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। 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 मैं पागल हूँ। पागल 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 पागल। आज उदय भान सिंह का बेटा पागल होकर ही रहेगा। आओ नीना। जिन्ना पिया है जिन्ना तेरी आँख के बिना, जिन्ना पिया है जिन्ना तेरे होठों के बिना, जिन्ना पिया है जिन्ना तेरी आँख के बिना, जिन्ना पिया है जिन्ना तेरे चाह के बिना, तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू। Oh,
पागल बना दे बना दे बना दे तेरे लिए मैं मेरे लिए तू जीना तेरी आंखों के बिना जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना ये रूप तेरा ये रंग तेरा ऐसी जवानी 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 देखे तुझे तो कैसे ये सासी हम ना दीवानी 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 तेरे लिए मैं मेरे लिए तू तेरे लिए मैं तेरे लिए तू जीना पिया जीना तेरी आँखों के बिना जीना पिया जीना तेरे होठों के बिना जीना भी क्या है जीना तेरी आँखों के बिना जी भी क्या है जीना तेरी आँखों के बिना लगा सके शर्म आनी चाहिए तुम्हें जी तो जाता है तो तुम सबको बोलना पागल हो नहीं चंद्रभान बोलना पागल हो मैं पागल हूं चंद्रभान बोल मैं पागल हूं बेटा तुम क्या बोल रहे हो मैं पागल हूं बेटा मैं पागल हूं चंद्रभान मैं पागल हूं उदयभान सिंह तुम्हारा हरामी बेटा मेरे कब्जे में है अगर उसे जिंदा वापस चाहते हो तो अब से ठीक आधे घंटे के बाद शाम नगर पुलिस स्टेशन पर आ जाना मुझे उम्मीद है तुम जरूर आओगे
से पहचान हो गया भान सिंह, तुम्हारे बेटे के साइन है ना? जिस तरह तुमने मेरे पिताजी के कोरे कागज पर दस्तखत करवाए थे उसी तरह मैंने तुम्हारे बेटे के करवा दिए। अब बोलो क्या इरादा है, पुलिस स्टेशन में जाकर अपने जुर्मों का इकरार कर लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा मेरे पिताजी की तरह आत्महत्या करके मर जाएगा। आइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब नहीं, मैं आया हूं। ठाकुर साहब तो लाए गए हैं। हेलो इंस्पेक्टर देसाई है, ठाकुर साहब आपका फोन। हेलो और वफादार औरत थी, लेकिन बेचारी के दिन पूरे हो गए थे। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अविनाश, अगर तुम्हें अपनी मां और महबूबा की जान से प्यार है तो कल सुबह मेरे बेटे चंद्रभान को पंडारा हिल पे ले आना और उन दोनों को ले जाना, और अगर नहीं तो उन दोनों की चिता का भी इंतजाम यहां करवा लेना।
हटाए। तुम मां को लेकर घर जाओ, आज मैं उसे खत्म करके आऊंगा। Thank you.
भान सिंह, मैंने तुम्हें बोला था 20 साल बाद मेरा बेटा अपने बाप की हत्या और अपने मां के जुल्मों का किन किन कर हिसाब लेगा। बेटे इसकी लाश बहते पानी में फेंक दे बेटे, ताकि कानून इसे आत्महत्या समझे। सजा काटने के बाद अविनाश जब जेल से बाहर आया तो उसने सबसे पहला काम ये किया। हम आ गए। जीना भी क्या है जीना तेरी आंखों के बिना, जीना भी क्या है जीना तेरे होठों के बिना। जीना भी क्या है जीना तेरी बाहों के बिना, तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू।